तो क्या दोस्तों, आप भी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल चुके हो? और आप भी दोस्तों मान लो योनो ऐप यूज़ करते हो और आप आईडी पासवर्ड भूल गए हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन जाके पासवर्ड और यूज़र आईडी की रिकवरी कैसे कर सकते हो, यह हम इस वीडियो में वो दोस्तों आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर आपके गूगल में लॉग इन हो जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन SBI यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर साइट आ जाएगी सामने आपके दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आ रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों पर्सनल बैंकिंग आ रहा है, इस पर आपको टैप करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉग इन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो दोस्तों यहाँ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड तो मान लो जैसे कि भूल चुके हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड एंड यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, फॉरगेट यूजर नेम। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ऑप्शन अपने को यूज़ में लेना है। पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपको आईडी कर देना है, आईडी फॉरगेट यूजर नेम। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे टैप कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको CIF नंबर डाल देना है। CIF नंबर दोस्तों यदि आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर वो जो आपके पास पासबुक है SBI बैंक की उसके जस्ट दोस्तों अकाउंट नंबर के ऊपर आता है CIF नंबर। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको CIF नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कंट्री जहाँ भी आप जिस देश में रह रहे हो मान लो इंडिया में रह रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो लिखा आ रहा है ये डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों जस्ट एक आपके पास OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और वो OTP एंटर करने के बाद दोस्तों आपका सीधा ये यूज़र आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर OTP डालने के बाद यूज़र आईडी हमारा आ चुका है। ये यूज़र आईडी तो मान लो दोस्तों अपने रिकवरी यूज़र आईडी तो रिकवरी हो चुकी है। फिर दोस्तों आपको करना है अभी नेक्स्ट स्टेप है वो है दोस्तों फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर बैग चले आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर वापस आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉगिन हो जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर लॉगिन पे वापस टैप करना है, फिर कंटिन्यू टू लॉगिन। फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे वापस टैप करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अब की बार यहाँ पर दोस्तों आपको फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए यूजर आईडी जो अपनी आई थी वो दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल लेना है जो भी है आपका जो SBI बैंक का अकाउंट नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो दोस्तों आपको डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म तारीख डाल देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा आ रहा है ये दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है।
ये दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म तारीख डाल देनी है। फिर यहाँ पर ये दोस्तों कैप्स आ रहा है, ये आपको डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना है। एक बार आपको जो भी डिटेल डाली है आपने चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने के बाद जस्ट दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, वहाँ पर दोस्तों एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी को दोस्तों यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। आपका मान लो दोस्तों कभी एक बार ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पर आपको रिसेंट का ये दोस्तों देख सकते हो, आपको ऑप्शन भी मिलेगा, यहाँ पर आप रिसेंट भी कर सकते हो। और मान लो दोस्तों कभी एक बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो दोस्तों उसका जो भी है रिचार्ज आप मंथली या क्वार्टरली करते हो तो दोस्तों आपको चेक कर लेना है। कभी कभी दोस्तों हैं तो रिचार्ज नहीं होने की वजह से भी ओटीपी नहीं आता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए तीन चार ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको यूजिंग एटीएम कार्ड्स डिटेल्स, फिर दोस्तों यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच। यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। और ऊपर वाले दोस्तों ऑप्शन है जो कि आपको मान लो दोस्तों आपके पास एटीएम कार्ड एक्टिवेट है तो आप उसके उससे भी कर सकते हो। और आपके पास प्रोफाइल आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो आपको दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड से भी कर सकते हो। तो सबसे दोस्तों यहाँ पर ईजी वे है यहाँ पर एटीएम कार्ड का, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर क्लिक करके सबमिट करूँगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड जो है एटीएम कार्ड वो आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मेरा एक कार्ड एक्सपायर हो चुका है और दोस्तों एक हॉट लिस्ट में यहाँ पर मतलब लॉस्ट हो चुका था। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर टैप कर लेना है जो भी आपका कार्ड एक्टिव है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो कार्ड होल्डर नेम है वो डाल देना है, वैलिडिटी टू एक्सपायरी, फिर दोस्तों पिन एंड एंटर द टेक्स्ट एज शो इन इमेज। इतनी डिटेल दोस्तों आप फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों जस्ट आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे जाने के बाद दोस्तों आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड एंड कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड में आपको बना देना है, नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी आने वाली वीडियो के बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और कोई भी दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट हो तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।